पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 9:30 बजे देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये मुरादाबाद रेल मंडल की दूसरी और मुरादाबाद जंक्शन से गुजरने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। रेलवे ने पहले दिन यात्रियों को ट्रेन में मुफ्त सफर कराया। इसमें रेल कर्मियों के परिजन, रिश्तेदार, समाज सेवी, पत्रकार और सामान्य नागरिक शामिल थे। मुरादाबाद स्टेशन पर रुकने के बाद मेट्रो की तर्ज पर ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। यहां से 200 से ज्यादा यात्री इस 9 कोच वाली चेयर कार ट्रेन में सवार हुए। ट्रेन देहरादून से चलने के बाद हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली में कुछ देरी के लिए रुककर निर्धारित समय 5:40 से 11 मिनट पहले ही लखनऊ पहुंच गई। हर ठहराव स्टेशन पर रेलवे ने यात्रियों को मुफ्त टिकट देकर बैठाने की व्यवस्था की। मुरादाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष आकाश पाल सहित महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का स्वागत किया। स्टेशन पर बनाए गए मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ट्रेन के रवाना होने से पहले घोषणा की गई कि जो लोग परिजनों को बैठाने के लिए ट्रेन में चढ़े हैं वो नीचे उतर जाएं, क्योंकि दरवाजे बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेंगे। मेंबर राजेंद्र कुमार टंडन, मैं आज मुरादाबाद वासियों को और हमारे मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज मुरादाबाद की जनता को ये वंदे भारत ट्रेन मिली है, जिसकी शायद हम लोग सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मुरादाबाद वासियों को ये वंदे भारत ट्रेन मिल गया। एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। मैं इस ट्रेन के अंदर गया और बहुत बढ़िया ट्रेन है, बहुत बढ़िया बनी हुई है, चेयर कार है और लगभग 4 घंटे में मुरादाबाद से लखनऊ पहुंचाएगी और लखनऊ से मुरादाबाद के लिए 4 घंटे में आएगी, जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे हमारे मुरादाबाद के मित्र नगरी के जो लोग हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महानगर मुरादाबाद के लगातार हवाई अड्डा दिया है, उसके बाद वंदे भारत ट्रेन दी है। मुरादाबाद के लिए इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 85,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर के किए गए, उसी के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस जो देहरादून से चलकर लखनऊ को गई है, इसमें उत्तर रेलवे भारतीय स्काउट गाइड के बच्चों ने अपना सहयोग दिया है, जिसमें राज्य के प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट मिस्टर हरजिंदर सिंह चहल जी के नेतृत्व में 200 स्काउट गाइड देहरादून पहुंचकर उसमें व्यवस्था, फूड वितरण और अन्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री की ये सोच है 2047 तक विकसित भारत के लिए आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज अमृतकाल के उस 25 साल का जो विज़न हमारा रह गया है, उसमें 2047 तक देश की इकोनॉमी और रेलवे का आधुनिकीकरण, उसी के साथ चाहे अमृतकाल अमृत भारत स्टेशन हो या वंदे भारत एक्सप्रेस हो, जो लंबी दूरियों को कुछ ही समय में पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम की वजह से उत्तराखंड के निवासी और उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में इस इनोग्रेशन से लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जगह जगह पर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया है। इसी के तहत पूरे देशवासी 140 करोड़ की आवाम माननीय प्रधानमंत्री जी को और यहाँ के मुख्यमंत्रियों जी को धन्यवाद अदा कर दिया। जय हिंद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।